हेलो सबको, गुड मॉर्निंग और मेरा प्यार भरा नमस्ते। और सब लोग ठीक ठाक होंगे आप लोग। मैं हूँ उर्मिला जोशी और उर्मिला जोशी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बोला ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है अभी सुबह 11 बजे से हो रही है, और आज हमारे घर में जो है कीर्तन है, तो मैं भी सामान लेके आई हूँ फटाफट दुकान से। मैंने कहा पहले बाहर का ही काम निपटा लेती हूँ, तो दुकान से सामान लेके आई हूँ। और देखो इस गाय को मैंने रोटी दे दी थी सुबह, जो मैं रोटी बनाती हूँ दे दी थी, लेकिन अभी फिर दोबारा आ गई है ये, देखो है ना। अब दे दिया ना मैंने, दे दिया ना फिर इसको एक ब्रेड और गुड़ दे दिया थोड़ा सा, और मैंने थोड़ा बर्तन धो के रखे हैं बाहर, है ना। आप नहीं है कुछ भी, बिल्कुल साइलेंट, चलो जाओ। और इसने सारा वो भी कर दिया है, बाथरूम कर दिया इसने, है ना गाय माता ने, तो शुद्ध कर दिया इसने हमारे आंगन भी। जाओ जाओ बैठ जाओ दादा। और सामान वामान लेके आ गई हूँ मैं, और अभी काम सुबह का तो हो ही चुका था, लेकिन जो है ना फिर दोबारा से हो ही जाता है, पता ही है आप लोगों को, सब फैल जाता है काम, तो फिर दोबारा से फैल ही रखा है। झाड़ू पोछा सब नाश्ता वगैरह सब हो चुका था। हाँ दे दी मैंने, हाँ रोटी दे दी, गुड़ दे दी, ब्रेड दे दिया, पता नहीं और क्या चाहिए, अब और चाहिए इसको, दो बार दे दिया मैंने। और जो है नाश्ता पानी सब निबट चुका था, सब लोग चले गए हैं अपना, और लेकिन फिर दोबारा से ना झाड़ू पोछा के लिए फिर गंदा हो गया बाहर, धूल मिट्टी इतनी हो गई बाहर। और मैंने डॉन आज बांध रखा है अपना बाहर ये भी गेट पे, दिखाती हूं आपको, ये देखो यहाँ पे बंदा हुआ है, तो इसको यहाँ पे बांध दिया है। और मैंने सोचा है ना मिट्टी मिट्टी कर देता है ज़्यादा, तो मैं सामान वामान सब ले आई हूँ, मैं सब रखा हुआ है सामान, और थोड़ा फूल भी लेके आ गई हूँ। ये मूंगफली है, ये मखाने के पैकेट हैं, मखाने वगैरह दो, ये दही के पैकेट हैं, और ये गिलास हैं, तो इसका मैंने खैर ब्रेड उसको दी थी गाय को, वो ले हैं। तो बस मैं लस्सी बनाऊंगी, और जो है मखाने मूंगफली वगैरह भून बान के उनको प्रसाद में दूंगी, खाने को भी और प्रसाद भी हो जाता है। और केले से मैंने कल मैं मार्केट गई थी, वहाँ से कल ले आई थी, तो केले से वगैरह मैंने ये रखे हैं सारे अच्छे से, यहाँ पर धो धा के और यहाँ पर खुले में रख दिए हैं कि ख़राब ना हो जाए कहीं ना। तो गर्मी बहुत हो रही है, पंखा चला दो, लेकिन बहुत गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और आज मौसम भी थोड़ा बादल जैसा भी हो ही रहा है, लेकिन गर्मी भी हो रही है, कभी बादल हैं कभी वैसी है मतलब। और चलो फिर मैं अब थोड़ा मखाने वगैरह भून लेती हूँ, और मूंगफली मखाने भून बांध के रख देती हूँ, अपना काम निपटा लेती हूँ। और 3 बजे से कीर्तन है, सब लोग आ जाएंगे 3 बजे, तो तब मैं आप लोगों को सब कीर्तन वगैरह सब दिखाऊँगी कैसे हो रहे हैं यहाँ पर, कैसे होते हैं कीर्तन। तो चलो मैं चलो मखाने भून लेती हूँ, और ये मैं दाल चावल बनाने लग गई हूँ, तो मैंने सोचा जल्दी दाल चावल बना लेती हूँ। तो चावल हैं, ये दाल है, तो ये सब मैंने चढ़ा दिए हैं, मैंने कहा जल्दी बना के जल्दी खिला के फिर सब अपना सफाई वफाई कर देती हूँ, फिर तैयार होने में टाइम लगेगा। और ये सब फूल फाल धो धा के रख दूँगी, सब चीज़ें बना के रख दूँगी, लस्सी को बना के रख दूँगी। और ये मखाने भूनने पड़ते हैं, तो भून के ना थोड़ा कड़क हो जाएंगे, अच्छे हो जाते हैं ये। तो रख दी, ये मूंगफलियाँ हैं, ये कच्ची मूंगफलियाँ हैं, इनको भूननी पड़ती हैं, ये देखो ये कच्ची है ना मूंगफली, तो इन्हें भूलूंगी अभी मैं, तो आप लोग। अरे ये गुड़ है चाय के लिए, तो यहाँ गुड़ वाली चाय पीते हैं, तो ये गुड़ भी ले आई हूँ मैं, तो चलो।
टुंग टुंग बजे, टुंग टुंग बजे। तुम ना चलना, तुमने भी सर्दियों में जा सकते हो तुम लोग। तू घूम क्या? मैं जा ही रहा हूँ यार, है ना, एक एक साल में एक एक टूर मार दूँ हमें सही रहेगा। है? क्यों, एक एक साल में अगली बार बद्रीनाथ जा सकते हैं। और क्या हुआ फिर, केदारनाथ हो गया, टुंगनाथ हो गया, बद्रीनाथ और क्या है चौथा, कौन सा है वो? केदारनाथ हो गया, हाँ, बद्रीनाथ, हाँ, हरिद्वार। अबे पागल, अच्छा मतलब वो वैसे चार धाम। हाँ चार धाम बोलता, वही तो कह रहा हूँ, केदारनाथ, टुंगनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ। अमरनाथ है या कोई चौर है? ये तो चार धाम हो गए ना। हाँ हाँ चार धाम। और वो अलग है, पंच केदार है ना, है कि नहीं? है? पंच केदार अलग है। कितनी जगह घूम गए दादा? टुंगनाथ ही तो गया हूँ, वो बद्री, वो केदारनाथ, टुंगनाथ जाऊँगा। अच्छा फिर अगली बार बद्रीनाथ। तो क्या है, चार धाम हो जाएगी यात्रा पूरी है ना। दादी को दिया है, दादी का जा, अब तू भी फटाफट आ खाना खाने। हाँ रख रही हूँ जा। बस लस्सी बनाने के लिए मैंने चीनी घोल दी है, अभी पानी में ही घोली है, अभी तो पानी में घुल जाएगी, उसके बाद दही वगैरह डाल के थोड़ा सा मैं वो चला दूंगी तो लस्सी बना दूंगी। अभी इनको ऐसे रख देती हूँ, खाना वाना खा लिया, बर्तन थोड़ा सा धो दिए हैं और बस अब लस्सी बनानी रह गई है। मखाने वगैरह मूंगली सब भून भान के सब कुछ रख दिया है, तो अब मैं ऊपर देख के आती हूँ कि इन लोगों ने बिछाया है या नहीं बिछाया है सब कुछ, दरी वरी सब बिछा दी है नहीं बिछाई है, और यहाँ पे उसके बाद करूँगी काम। और मैं देख के आती हूँ ऊपर कि इन लोगों ने अभी दरी बिछाई है या नहीं बिछाई है, तो दरी वरी बिछा के उसके बाद मैं तैयार हो जाती हूँ पूरा। चलो दिखा दी आती हूँ, हथियार रख दी इसने, सामान यहाँ पे रख दिया। अभी तू नीचे चल, चल नीचे, चलो नीचे जा, डर नहीं है। सही है, झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा अब। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ दरवाजा निकाल देता हूँ, गेट बंद कर, एसी चल रहा है, गेट अभी चल रहा है, तो अभी गर्मी लग रही है भाई। बस आइए लास्ट में इधर बिछा देंगे जब आएंगे, छोटे छोटे। अरे हो जाएगा, इतने से हो जाएगा, वहाँ जरूरी थोड़ी है किसी को बैठना हो, चाहे ना हो, कोई बात नहीं। अगर कमरे में नहीं आना यहाँ कीर्तन, अभी मत उठाना वो, अभी मत चला इसको, थोड़ी देर पहले चलाना बस। दो बज गए हैं, फिर बंद कर देंगे अभी ना, बाद में चले जाना, ठंड हो जाए एसी चला। ए यार दादी चप्पल लेके गंजे, हाँ दो लग लाएंगे गंजे, फिर तो गंजे बड़े गांव ना, तो गांव में जा सुबह बड़े पहले सर ये लगे मुझे लोग क्या करें, मैं हमारे भूल गया हूँ गांव में, इधर भी बोली ना नहीं आता क्या। चलो अब तैयार हो जाती हूँ, मैंने निकाल दिया साड़ी और मैं आज ये लाल वाली साड़ी पहन रही हूँ, तो अब तयार हो जाती हूँ फटाफट से, क्योंकि सवा दो हो चुके हैं, जल्दी तैयार हो जाती है, मुझे टाइम भी लगता है तैयार होने में, तो मैं तैयार हो जाती हूँ फटाफट से।